हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीजिंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टीन टाइटंस सीजन 2 एपिसोड 13, यानी ये सीजन 2 का फिनाले है दोस्तों। इसके पहले वाले 12 एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, जाके वो देख लो। बहुत ही अमेजिंग ये सीरीज निकल के आई है, जहाँ पर सीजन 1 भी बहुत ही क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है और सीजन 2 भी बहुत ही शानदार एपिसोड के साथ खत्म होता है दोस्तों। और आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट सिर्फ आपके लिए लेके आते रहते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं टीन टाइटंस एपिसोड 13। एपिसोड की शुरुआत होती है टेरा से, जहां पर पीछे से स्लेड विल्सन बात करते हुए नजर आता है कि शाबाश टेरा, तुमने इतना अच्छा काम कर दिया। जहां पर हम देखते हैं इस सिटी के ऊपर बहुत सारे रोबोट्स मंडरा रहे हैं, इस सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है स्लेड विल्सन ने। तभी हम बीच बॉय का वो गिफ्ट भी देखते हैं, जो कि थोड़ा सा छोटा सा मेकअप बॉक्स था, वो भी टूटते हुए नजर आता है। जहां पर हम देखते हैं कि इस दुनिया पर अभी पूरा राज होने वाला है स्लेड विल्सन का। तभी उसे याद आती है बीस्ट बॉय की, यानी इन्हीं सारे टीन टाइटंस मेंबर की, जहाँ पर उसने एक एक करके सारे लोगों को मारा था। तो वो भी हमें झलकियाँ नजर आती है। फिर सिटी के अंदर घूमते हुए स्लेड विल्सन के रोबोट्स भी नजर आते हैं, बड़े बड़े उसने अलग अलग तरह के रोबोट्स भी बना लिए हैं वहाँ पर, जहाँ पर रानी करने का काम ये सिर्फ टेरा के ऊपर ही दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं फिर से स्लेड विल्सन को, जो कि कह रहा है कि शाबाश असिस्टेंट, यानी यहाँ पर टेरा को उसने असिस्टेंट बना लिया है। जहाँ हम टेरा को देख रहे हैं वो इतनी ज्यादा खुश तो नहीं लग रही है, और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। फिर हम देख रहे हैं कि टेरा पेट्रोलिंग कर रही है इस पूरे सिटी के अंदर। वो जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ वहाँ पे उसकी मेमोरीज उसे याद आ रही है, जहाँ पर वो पिज्जा खा रहे थे या फिर बीस बॉय से बात कर रहे थे, जब बैंक लूटने का सीन था, जब बैंक लूटने वाले को टेरा ने पकड़ लिया था, कैसे वावाई बटोर रही थी वो टीन टाइटंस मेंबर के साथ मिलके, ऐसी कुछ यादें उसे याद आती है। तभी वो पेट्रोलिंग करके आगे बढ़ने ही वाली होती है तो उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जहाँ पर हम साइड में बहुत सारा फॉग देख सकते हैं। तो ये जो टीन टाइटंस के मेंबर है ये एक एक करके मार रहे हैं टेरा को, और हमला इस चतुराई से होता है जहाँ पर टेरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारे टीन टाइटंस मेंबर को तो मार दिया था, तो ये अब कहाँ से जिंदा होके आ गए हैं। तो वो लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो आखिरकार लड़ नहीं पाती। जहाँ पर स्लेड विल्सन भी उसे कहता है कि अगर तुम लड़ोगी तो ही मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगा न्यूरा लिंक कनेक्ट की वजह से, जो कि उसका सूट उसे मदद करने के लिए रेडी होगा। तभी टेरा इधर स्लेड विल्सन से बात कर रही है फिर से, और वो बोल रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो स्लेड। जहाँ पर स्लेड कहता है कि क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो हमेशा करूंगा। और ऐसे ही कह के इन सारे टीन टाइटंस के मेंबर के आगे वो तीनों लोग आ जाते हैं, जो कि है ओवरलॉर्ड, प्लास्मोस और सिंडर ब्लॉक। ये तीनों आ गए हैं, जो कि एक मिश्रण बना लेते हैं, खुद ही की बॉडी को एक दूसरे के साथ मर्ज करा देते हैं, जो कि इतने ज्यादा खूंखार बन जाते हैं कि एक दानव के रूप ले लेते हैं, जहाँ पर इन लोगों के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं जहाँ पर टेरा पहुंच चुके हैं स्लेड के पास, जहाँ वो स्लेड से बात ही करने वाली होती है तभी स्लेड उसे मार गिराता है, और वो उसे कहता है कि तुम नाकामयाब रही हो, तुम्हें एक्चुअल में खत्म करना चाहिए था टीन टाइटंस को, जो कि तुमने नहीं किया। इसके बाद इधर हम देख रहे हैं ये सारे टीन टाइटंस मेंबर उस दानव से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जोर जोर से झटके खा रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है उनके बॉडी में, या फिर वो जो भी वार कर रहे हैं वो खाली ही जा रहा है। अब ये सारे लोग मिलके एक टीम अप करते हैं, जहाँ पर ये एक साथ वार करते हैं उसके ऊपर, जिसके बदौलत ये हो जाता है कि वो हार जाता है, यानी वो वहाँ पर गिरा पड़ा है। और इधर बाकी जितने भी उसके सैनिक हैं, जो कि स्लेड विल्सन के हैं, वो इन लोगों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ बीस्ट बॉय आ जाता है, जो कि कहता है साइबॉक से कि मुझे टेरा चाहिए, तो मैं टेरा को ढूंढने जा रहा हूँ, तो वो वहां से चले जाता है। इधर हम देख रहे हैं स्लेड टेरा को मार रहा है बहुत ही बुरी तरीके से, और उसे ये भी बता रहा है कि अब तुम इतना ज्यादा गुनाह कर चुकी हो कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं देगा, तो यहाँ पर मेरे साथ ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, और तुम मुझसे भाग भी नहीं सकती हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ये सूट है ये तुम्हारे न्यूरालिंक से कनेक्ट है, यानी तुम्हारे बॉडी के ऊपर चिपक गया है, जिसको आप निकाल भी नहीं सकते हो, और पूरा कंट्रोल स्लेड के पास भी रहेगा। जहाँ वो उसे बहुत ही जोर का बिजली का
झटका भी देता है। इधर इतने सारे रोबोट्स इन लोगों का घेराव कर चुके हैं। रॉबिन जो है वो बड़ा सा ब्लास्ट करता है एक बॉम्ब की बदौलत, जिससे ये सारे रोबोट्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं और रेवन की मैजिक से ये लोग बच जाते हैं। अब इधर हम देख रहे हैं कि वो फिर से दानव उठ के आ गया है इन लोगों को मारने के लिए। इतना बड़ा बॉम्ब फूटने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ है। साइबॉग अभी उसे बांध देता है और पीछे से रॉबिन जाता है जो कि उसके ऊपर बॉम्ब लगा देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। और फिर रॉबिन कहता है कि आखिरकार बीस्ट बॉय कहाँ पर है, तो वो उसके गैजेट में देखता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि 5 किलोमीटर वो जमीन के नीचे कहीं तो है। इधर हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड जा रहा है बीस्ट बॉय, जो कि अभी टेरा को मारने ही निकला पड़ा है। तो वो जाता है उस फैसिलिटी में जिस फैसिलिटी के अंदर स्लेड विल्सन होता है। वो जैसे ही अंदर पहुंच जाता है तो उसके सामने होती है टेरा, जो कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे बीस्ट बॉय, तो अभी मार डालो। तभी वो उससे बात करने ही वाला होता है तो स्लेड विल्सन टेरा की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। बीस्ट बॉय कुछ ना कुछ बन के वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार वो बड़े से पत्थर के बीच में फंस ही जाता है, जहाँ वो स्लेड को ये भी पूछता है कि आखिरकार तुमने टेरा के साथ क्या कर दिया। और अब आखिरकार टेरा उसे मारने ही वाली होती है, यानी स्लेड विल्सन बीस्ट बॉय को खत्म ही करने वाला होता है। तभी इन टीन टाइटंस की एंट्री होती है और तभी बीस्ट बॉय टेरा को भी बताता है कि ये सारी जो करतूतें तुम कर रही हो ये तुम्हारे कंट्रोल में है, ना कि स्लेड के कंट्रोल में, तो तुम इसे चेंज कर सकती हो। जहाँ पर बाकी टीन टाइटंस मेंबर भी उसे इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारी ये जो शक्ति है ना टेरा, इसको तुम काबू में खुद कर सकती हो, ना कि स्लेड। अब इधर टेरा बीस्ट बॉय को मारने ही जा रही होती है तो फट से वो घुमा देती है उसका जो ब्लास्ट है वो स्लेड विल्सन की तरफ, क्योंकि उसने आखिरकार समझ लिया है अपनी पावर्स को काबू करना। इधर अब एक के बाद एक वार कर रही है टेरा स्लेड विल्सन के ऊपर, जहां उसका एक भी वार खाली नहीं जाता है और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है जिससे अंदर का जितना भी लावा है वो फट निकलता है, जिससे ये पूरी सिटी अभी तबाह होने वाली है। तो यहाँ पर रॉबिन कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ये लोग अभी भाग रहे हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि टेरा कह रही है इन लोगों से कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चीज को रोकूंगी। जहाँ पर उबलता लावा नीचे से निकल रहा है, ये टीन टाइटंस के मेंबर वहाँ से चले गए हैं और वहाँ पर टेरा अकेली अभी फंसी हुई है, जो कि उस लावा को कंट्रोल करेगी, खुद के ऊपर ले लेगी, जिसमें स्लेड विल्सन की मौत हो जाती है। और ये जो लावा था जिसकी वजह से टेरा भी वहाँ पर पुतला बन चुकी है। तभी हम पीछे से आवाज सुनते हैं बीस्ट बॉय की कि वो एक अच्छी दोस्त थी, एक अच्छी टीन टाइटन थी जिसने इस पूरी दुनिया को बचाया भी है। वो एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम था टेरा। अब ये लोग उसके पुतले के सामने जाते हैं, जहाँ पर रेवन कहती है कि इससे कैसे ना कैसे तुम्हें बाहर कैसे निकालना है वो हम जान के ही रहेंगे। तभी वहाँ बीस्ट बॉय फ्रेम लगा देता है जिसपे लिखा है टेरा अ टीन टाइटन अ ट्रू फ्रेंड। और इसी नोट पे दोस्तों इस पूरे सीजन 2 का एंड होता है। ये आखिरी एपिसोड था सीजन 2 का, जो कि 13वां एपिसोड था। इसके बाद हम सीजन 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मूवीजिंग चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट सिर्फ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीजिन। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उसका नाम टेरा था। उसे कुदरत ने बहुत शक्तियां दी थी और वही उसके लिए श्राप बन गई। वो एक खतरनाक दुश्मन थी और एक अच्छी दोस्त। मैं काफी बहादुर लोगों से मिला हूं, लेकिन वो सबसे बहादुर थी।